हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस पर। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हीमोलाइटिक एनीमिया को क्लासिफाई करता हूँ, क्योंकि होता क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया का ही पार्ट होता है हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। तो इसलिए आपको क्लासिफिकेशन एक बार अच्छे से समझना चाहिए, देन लेटर ऑन हम लोग हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस पर आएंगे, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमियाज। अब मैंने आपको बताया था एनीमियाज का सिंपल मतलब क्या है, कि ब्लड में का आरबीसी कंटेंट अगर कम हो जाए तो उसको हम लोग एनीमियाज कहते हैं। अब एनीमिया कैसे क्या हो सकता है, उसके रीजंस क्या है, इट कैन बी ड्यू टू हीमोलाइसिस। अब हीमोलाइसिस का सिंपल मतलब क्या है, आरबीसी का क्या है, लाइसिस है। अब आरबीसी का अगर लाइसिस हो जाए तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, ब्लड में कम हो जाएगी, समझ गए। दूसरा क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अब इसमें दो एग्जांपल है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब इसके नाम में ही आयरन डिफिशियंसी, तो इसमें क्या डिफिशियंट हो रहा है, आयरन यहाँ पर कम हो रहा है। और अगर आयरन कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आरबीसीज अच्छे से नहीं बन पाएंगे, समझ गए। दूसरा क्या डिफिशियंट हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक के अंदर क्या डिफिशियंट होता है, विटामिन B12 एंड विटामिन B9, ये डिफिशियंट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर तीसरा हो सकता है हाइपोप्रोलिफ्रेटिव। अब हाइपोप्रोलिफ्रेटिव का मतलब क्या है, कि भाई बोन मैरो अच्छे से आरबीसीज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बोन मैरो आरबीसीज को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। अब इसके अंदर एग्जांपल्स क्या है, अप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, माइलोप्थिसिक एनीमिया, समझ गए। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमियाज। अब देखो हीमोलाइटिक एनीमियाज हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं। देखो बिफोर बिगिनिंग हीमोलाइटिक एनीमियाज मैं आपको बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ हीमोलाइटिक एनीमियाज का। अब बेसिक क्या है, देखो हीमोलाइटिक एनीमियाज का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, हीमोलाइटिक एनीमियाज का मतलब क्या है, इट इज़ आरबीसी का लाइसिस। अब ये जो आरबीसी का लाइसिस है ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इट कैन बी इन ब्लड वेसल और इट कैन बी आउटसाइड द ब्लड वेसल। तो अगर ये लाइसिस, अगर ये ब्लड वेसल का मतलब आरबीसी का लाइसिस आउटसाइड द ब्लड वेसल है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस। और अगर ये आरबीसी का लाइसिस इनसाइड द ब्लड वेसल है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस। अब सोचो कि अगर किसी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है तो आरबीसी से क्या सेपरेट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, बराबर। तो हीमोग्लोबिन विल कम आउट इन सीरम। हीमोग्लोबिन कहाँ आएगा, सीरम में आएगा। और हीमोग्लोबिन सीरम में आएगा तो उसकी संख्या सीरम के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इट विल डिसोसिएट इनटू हीम एंड ग्लोबिन। अभी जो ग्लोबिन है इट विल बी रीयूज्ड, ये क्या हो जाएगा, बॉडी के द्वारा रीयूज किया जाएगा। और ये जो हीम है, अब ये हीम क्या करेगा, पहली चीज इट विल गो एंड कम्बाइन विथ मीथेन, सो इट विल फॉर्म मीथ हीमोग्लोबिन, समझ गए, इट विल फॉर्म मीथ हीमोग्लोबिन। तो मीथ हीमोग्लोबिन की संख्या सीरम में बढ़ जाएगी। दूसरा क्या करेगा, इट कैन गो एंड कम्बाइन विथ हेप्टाग्लोबिन, इट कैन गो एंड कम्बाइन विथ हेप्टाग्लोबिन। अब हेप्टाग्लोबिन के साथ हीम कम्बाइन हो रहा है तो मुझे बताओ सीरम हेप्टाग्लोबिन लेवल्स क्या हो जाएंगे, सीरम हेप्टाग्लोबिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, समझ गए। तीसरा क्या हो सकता है, ये हीम जाएगा लीवर के पास, और जैसे ये लीवर के पास जाएगा इट विल फॉर्म बिलीरुबिन, तो बिलीरुबिन लेवल्स क्या हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे, समझ गए। चौथी चीज़ क्या हो सकती है, ये हीम कहाँ जाएगा, किडनी के पास जाएगा। अब किडनी के पास हीम जा रहा है तो रेड यूरिन होगी, और क्या होगा मुझे बताओ, और क्या होगा, ये जो हीम है इट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये अगर इसको रीअब्सॉर्ब करेगा तो मुझे बताओ हीम कौन से फॉर्म में डिपॉजिट होगा पीसीटी के अंदर, हीमोसिड्रिन के फॉर्म में, तो पीसीटी के अंदर क्या हो जाएगा, हीमोसिड्रोसिस होगा। अब हीमोसिड्रोसिस का मतलब क्या है, डिपोजिशन होगा यहाँ पर पीसीटी के अंदर। अब जैसे ही हीमोसिड्रिन का डिपोजिशन होगा पीसीटी के अंदर तो पीसीटी के सेल्स क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो पीसीटी के जो सेल्स हैं दे विल डाई, और जिस वजह से क्या होगा कि हीमोसिड्रिन जो है इट विल कम आउट इन यूरिन। क्या हो जाएगा, ये जो हीमोसिड्रिन क्या हो जाएगा इट विल कम आउट इन यूरिन, तो हीमोसिड्रिन यूरिया होगा। लेकिन ये पीसीटी के सेल्स को डाई होने में समय लगता है, तो मुझे बताओ हीमोसिड्रिन यूरिया ये जो है ये आपको इतना फटाफट देखने को मिलेगा क्या, नहीं। ये कौन से पेशेंट में देखने को मिलेगा, इट विल बी सीन इन क्रॉनिक हीमोलाइटिक पेशेंट। क्रॉनिक कोई भी पेशेंट है, क्रॉनिक बंदे के अंदर हीमोसिड्रिन यूरिया हमें देखने को मिलेगा, समझ गए। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे एक बार फटाफट बताओ, देखो सीरम हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, इंट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या क्या होगा, सीरम हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, मिथ हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हेप्टाग्लोबिन सीरम कम होगा, बिलीरुबिन बढ़ेगा, रेड कलर की यूरिन होगी, हीमोसिड्रोसिस होगा और हीमोसिड्रिन यूरिया होगा अगर क्रॉनिक हीमोलाइसिस है तो, समझ गए। ओके, अब ये था इंट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस। अब मान लो एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब ब्लड वेसल के बाहर हीमोलाइसिस हो रहा है, तो ये कहाँ पर हो सकता है, इट कैन बी इन स्प्लीन एंड लीवर। लेकिन मेजरली ये कहाँ पर होता है, स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन के अंदर कौन कराने में मदद करता है, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस। कौन कराता है, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस।
अब मुझे बताओ यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, तो सीरम के अंदर आपको हीमोग्लोबिन एमिया, मिथ हीमोग्लोबिन, हेप्टाग्लोबिन लेवल्स, इनमें कोई फर्क दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बिलीरुबिन बढ़ेगा। बिलीरुबिन क्या होगा, बढ़ेगा। अब बिलीरुबिन क्यों बढ़ेगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हीमोलाइसिस है ये लीवर में भी हो रहा है, लीवर में भी हो रहा है, तो लीवर में हो रहा है इस वजह से क्या हो रहा है, इसमें बिलीरुबिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होगी स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली। अब स्प्लीनोमेगैली क्यों होगा, देखो मैंने क्या बताया कि जो हीमोलाइसिस है ये कहाँ पर हो रहा है, स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन के अंदर स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं, हीमोलाइसिस कर रहे हैं, जिस वजह से स्प्लीन बहुत ज़्यादा काम करती है। और अगर स्प्लीन बहुत ज़्यादा काम करेगी तो वो एक्सपांड हो जाएगी, तो स्प्लीन की साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ स्प्लीनोमेगैली, समझ गए। तो स्प्लीनोमेगैली और बिलीरुबिन राइस ये किस में देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस में। अब मुझे बताओ इन दोनों के सिम्टम्स हमने पढ़ लिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या चीज़ें, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रायड, उसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रायड। इसका मतलब क्या है, ट्रायड का मतलब क्या है, फीचर्स कॉमन, कॉमन फीचर्स। तो कॉमन फीचर्स क्या क्या है बताओ, कॉमन फीचर्स क्या क्या है, पहली चीज़ तो क्या हो रहा है ट्रायड के अंदर, बिलीरुबिन का बढ़ना, दोनों के अंदर बिलीरुबिन बढ़ता है। दूसरी चीज़, दोनों के अंदर बिलीरुबिन बढ़ता है। दूसरी चीज़ आरबीसीज यहाँ पर हीमोलाइज हो रहा है, दोनों के अंदर आरबीसीज का हीमोलाइसिस तो हो रहा है ना, बराबर। और क्या हो रहा है मुझे बताओ, रेटिक काउंट, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो के अंदर, रेटिक काउंट जब भी हीमोलाइसिस होता है, अब दोनों में हीमोलाइसिस हो रहा है बराबर, अब हीमोलाइसिस जब भी होगा तब बोन मैरो को क्या लगेगा कि यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है बराबर, तो बोन मैरो क्या करेगा, हाइपरप्लेजिया कर लेगा, और हाइपरप्लेजिया की वजह से क्या होगा, रेटिकुलोसाइट का प्रोडक्शन फटाफट फटाफट हो जाएगा, जिस वजह से रेटिक काउंट यहाँ पर बढ़ेगा। ये मैंने कल ही आपको समझाया, ठीक है। तो रेटिक काउंट दोनों में बढ़ेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रायड ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन बढ़ता है, आरबीसी हीमोलाइज होता है, रेटिक काउंट बढ़ता है। तो ये दोनों टाइप ऑफ हीमोलाइसिस में कॉमन फाइंडिंग है, समझ गए। ओके, अब हम लोग हीमोलाइटिक एनीमिया को क्लासीफाई करते हैं। देखो हीमोलाइटिक एनीमिया को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कि बेस्ड ऑन डिफेक्ट, कि भाई हीमोलाइसिस हो रहा है लेकिन रीज़न क्या है हीमोलाइसिस होने का। तो ये रीज़न क्या हो सकता है, कि भाई अगर आरबीसी के अंदर रीज़न है, मतलब इंट्रा कॉर्पस्कुलर रीज़न है, या तो आरबीसी के बाहर रीज़न है, ठीक है। तो अगर इंट्रा कॉर्पस्कुलर कोई डिफेक्ट है तो इट कैन बी आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट, और आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट का यहाँ पर एग्जांपल है हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। अब आरबीसी एंजाइम अगर कोई डिफेक्ट है उसमें, तो इट कैन बी G6PD डिफिशियंसी। और कुछ हो सकता है हीमोग्लोबिनोपैथी, मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है तो इट कैन बी थैलेसीमिया एंड इट कैन बी सिकल सेल एनीमिया। और एक है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ये भी एक डिसऑर्डर है, इंट्राकॉर्पस्कुलर ही डिफेक्ट है। अब और क्या हो सकता है, अगर डिफेक्ट एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर है, मतलब बाहर से आरबीसी के डिफेक्ट आ रहा है, तो इट कैन बी ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, इसके नाम में ही ऑटो इम्यून, यहाँ पर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगी। और क्या हो सकता है, इट कैन बी फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम। सो दिस इज इन जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोलाइटिक एनीमियास। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, तो इसको एकदम फटाफट खत्म करेंगे हम लोग। देखो बहुत आसान है, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, मैंने पहले आपको बताया कि हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस क्या है, बताओ 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 बताओ, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस क्या है, इट इज़ अ आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस इज़ द आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट। तो आरबीसी के मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है। अब आपको आरबीसी की डिफेक्ट पढ़ना है, आरबीसी के मेम्ब्रेन में डिफेक्ट पढ़ना है, तो आपको नॉर्मल आरबीसी मेम्ब्रेन पता होनी चाहिए। तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, नॉर्मल आरबीसी मेम्ब्रेन बना दी। अब ये नॉर्मल आरबीसी मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैंड 3 एंकाइरिन, बैंड 4.2 और स्पेक्ट्रिन। तो ये कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, अब मान लो ये क्या है, मेरी आरबीसी है, ये क्या है, मान लो दिस इज आरबीसी, राइट। अब ये आरबीसी है, तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस आरबीसी के जो शेप है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब आउट ऑफ विच ये जो स्पेक्ट्रिन प्रेजेंट होता है, ये जो स्पेक्ट्रिन है ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ऐसे अंदर से होता है, समझ गए। तो ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ऐसे होता है स्पेक्ट्रिन, समझ गए, स्पेक्ट्रिन। और ये जो बाकी के प्रोटीन्स है ये क्या करते हैं, इसको ऐसा खींच के रखते हैं आरबीसी को। रबर बैंड सोचो, रबर बैंड को आप खींचोगे तो ये ऐसा दिखेगा बराबर। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, बेसिकली आरबीसी को ऐसा इस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से आरबीसी कैसा होता है, खींचा हुआ रहता है, समझ गए। तो ये क्या है, प्रोटीन्स है, दिस इज योर नॉर्मल आरबीसी मेम्ब्रेन, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है। अब आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट है हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, इसका मतलब इसमें हो क्या रहा है, इटियोलॉजी समझो, इटियोलॉजी क्या है, इसमें होता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किसका होता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन से है,
कौन से मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मैंने बताया था बैंड 3 एंकाइरिन, बैंड 4.2 स्पेक्ट्रिन, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब इसमें डिफेक्ट होगा, और मोस्ट कॉमन जो मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफेक्ट है मोस्ट कॉमनली किस में होता है, एंकाइरिन के अंदर डिफेक्ट हो जाता है। अब ये मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो गया, अब इस वजह से मुझे बताओ ये जो डिफेक्ट है ये बाहर से आया या फिर अंदर से आया आरबीसी के, राइट अंदर से आया, तो ये डिफेक्ट कैसा है, इट इज़ अ इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट, इट इज़ अ इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट, मतलब ये जो डिफेक्ट है इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इनसाइड द आरबीसी, समझ गए, सो इट इज़ अ इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। अब ये इनहेरिटेड है, अब इनहेरिटेंस क्यों है, क्योंकि हमने इसको पहले कहा था हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, बराबर हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। अब इसका इनहेरिटेंस समझो, ये बात समझो कि इट इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, क्या है, इट इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इस वजह से थोड़ी चीज़ें याद रखो कि इट प्रेजेंट्स लेटर इन लाइफ, प्रेजेंट्स लेटर इन लाइफ, कोई भी ऑटोसोमल डिसीज हमेशा इट विल प्रेजेंट लेटर इन लाइफ, मतलब इतना जल्दी ये डिटेक्ट नहीं होगा, इसके जो सिम्टम्स है ये आपको लाइफ के थोड़े अगले फेज में मिलेंगे, ठीक है, मतलब इट विल प्रेजेंट लेटर इन लाइफ। और एक बात याद रखो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो मुझे बताओ यहाँ पर बेसिकली क्या है, दो अलील्स इसको कंट्रोल करते हैं, बराबर दो अलील्स इसको कंट्रोल करते हैं, तो एक अलील में अगर म्यूटेशन हो गया फिर भी दूसरा अलील अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, बराबर, तो इस वजह से इसके अंदर बेसिकली हमें सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया नहीं दिखता, इसके अंदर हमें लेस सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया दिखता है, इट इज़ अ लेस सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, फिर से समझो क्यों लेस सीवियर है, देखो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मान लो इसको कंट्रोल करने वाले दोनों अलील्स है, अब दोनों अलील्स है, मान लो इसके अंदर किसी एक अलील में क्या हो गया, म्यूटेशन आ गया, लेकिन ये जो दूसरा अलील है ये अभी भी फंक्शन कर रहा है, ये अभी भी फंक्शन कर रहा है, जिस वजह से इतना ज़्यादा हीमोलिसिस नहीं होता, समझ गए, इसलिए इसके अंदर लेस सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया दिखता है, समझ गए। अब इसका पैथोजेनेसिस समझो, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, देखो मान लो क्या ये क्या है, मेरी आरबीसी है, आरबीसी कैसी होती है, बायकॉन के होती है, आपको पता है, ये मान लो मेरी आरबीसी है, अब ये प्रोटीन में डिफेक्ट आ गया, जिस वजह से ऐसा सोचो ये रबर बैंड था जिसको मैंने ऐसे एक्सपांड कर रखा था इस डायरेक्शन में, अब ये प्रोटीन्स डिफेक्टिव हो गए तो ये कोलैप्स कर जाएगा, मतलब कोलैप्स इन द सेंस नॉर्मल सर्कुलर शेप में आ जाएगा, बराबर, तो ऐसे स्पेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए, इट विल कन्वर्ट इन टू स्पेरिकल, स्पेरिकल। अब ये स्पेरिकल आरबीसी जब भी स्प्लीन में जाता है, कहाँ जाता है, स्प्लीन के अंदर, तो इट गेट्स ट्रैप्ड, इट गेट्स ट्रैप्ड इन साइनोसॉइड्स, अभी जो स्प्लेनिक स्प्लीन में जब भी जाएगा ये आरबीसी, इट विल गेट ट्रैप्ड इन साइनोसॉइड, अब ये साइनोसॉइड में ट्रैप हो जाएगा, अब मान लो कि ये मेरे पास क्या है, स्प्लीन है, मान लो ये क्या मेरे पास स्प्लीन का साइनोसॉइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है इट विल गेट ट्रैप्ड, तो ये बाहर निकल पाएगा क्या आसानी से, नहीं निकल पाएगा, तो इट विल गेट ट्रैप्ड इन द स्प्लीन साइनोसॉइड्स, फिर यहाँ पर आएंगे मैक्रोफेजेस, कौन आएंगे, मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, स्प्लेनिक मैक्रोफेज विल ईट देम, मैक्रोफेज विल ईट देम, और मुझे बताओ मैक्रोफेजेस अगर इनको खा रहे हैं तो ये इंट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस है या एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस है, यस इट इज़ अ एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस, इट इज़ अ एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस, एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या क्या होता है मुझे बताओ, आपको मैंने पढ़ाया था एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस में बिलीरुबिन लेवल्स यहाँ पर बड़े दिखेंगे, और क्या होगा, और क्या होगा, स्प्लीनोमेगैली होगा, तो ये बेसिक अगर आपको पता था तो ये दोनों सिम्टम्स आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। अब डायग्नोसिस कैसे करें, इस हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस का डायग्नोसिस कैसे करें, देखो डायग्नोसिस करने के लिए हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये अडल्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है लेटर इन लाइफ, तो हिस्ट्री में आपको अडल्ट दिखेगा, ठीक है अडल्ट दिखेगा। दूसरी चीज़, इट इज़ अ लेस सीवियर, मैंने पहले ही बताया था इट इज़ अ लेस सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया, इट इज़ अ लेस सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया, समझ गए। और बताओ मैंने क्या बताया था, अभी अभी बताया था आपको इसके अंदर स्प्लीनोमेगैली दिखेगा, राइट स्प्लीन विल बी एनलार्ज्ड। और बताओ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बिलीरुबिन क्या होगा, बढ़ेगा, बिलीरुबिन यहाँ पर बढ़ेगा, बिलीरुबिन विल इंक्रीज। अब होता क्या है, ये जो ऑटोसोमल ये इनहेरिटेड डिसीज है, बराबर इट इज़ अ इनहेरिटेड डिसीज, अब इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है, जैसे ही आपकी बर्थ होती है तो थोड़ा 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 मतलब बिलीरुबिन बढ़ता रहता है, लाइफ में क्या होता है जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो तो बिलीरुबिन क्या होता है थोड़ा 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 बढ़ता रहता है। और ये जो बिलीरुबिन है ये कहा जाता है बेसिकली गॉल ब्लैडर में जाता है, आपको पता होगा गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, तो गॉल ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन करेगा, जिस वजह से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, याद रखना कि हमें देखने को मिलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। और ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स है ये किससे बनते हैं, बिलीरुबिन से बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स किससे बनते हैं, बिलीरुबिन।
इसीलिए इन स्टोन्स को हम लोग कहते हैं पिगमेंटेड गॉल ब्लैडर स्टोन्स। क्या कहते हैं? पिगमेंटेड, क्योंकि बिलीरुबिन क्या है? पिगमेंटेड। तो ये आपको कहीं भी दिखा कि पिगमेंटेड गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहाँ पर मिलते हैं, तो दैट इज योर हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। तो डायग्नोसिस हमने इस बेसिस पर इसका कर लिया। अब हम लोग इसको और भी डायग्नोस करने के लिए क्या कर सकते हैं? सीबीसी कर सकते हैं। अब सीबीसी के अंदर क्या फाइंडिंग दिखेगी ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले तो ये समझो कि ये मान लो कि मेरे पास क्या थी, ये आरबीसी थी, ये क्या थी मेरे पास? आरबीसी थी, राइट। थोड़ा अच्छा शेप बनाते हम लोग। मान लो ये मेरे पास क्या थी? आरबीसी थी। अब इसके अंदर क्या है? आरबीसी के अंदर आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पर पेरिफेरल रीजन में होता है, राइट, पेरिफेरल रीजन में होता है। और सेंट्रल में यहाँ पर क्या होता है? सेंट्रल में यहाँ पर सेंट्रल वन थर्ड क्या होता है? सेंट्रल वन थर्ड में यहाँ पर पेल कलर होता है, तो दैट इज सेंट्रल वन थर्ड पैलर। तो ये नॉर्मल आरबीसी थी। अब जैसे ही हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू स्पियर, स्पियर शेप में कन्वर्ट होगा, तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आपको कभी भी पता है जब भी आप रबर बैंड को एक्सपांड करते हो, तो एक्सपांड करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? रबर बैंड को एक्सपांड करने के बाद उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ते हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है, बराबर। तो ये जो ये वाला शेप है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इस वाले शेप का वॉल्यूम कम है। अब मुझे बताओ, इतना हीमोग्लोबिन अगर कम वॉल्यूम में जाएगा तो ये पूरी तरह फैल जाएगा इसके अंदर, बराबर, पूरी तरह फैल जाएगा, समझ गए? अब क्या क्या फ़र्क दिख रहा है, तो ये देखो, ये क्या है? स्पिरोसाइट, दिस इज योर स्पिरोसाइट, स्पिरोसाइट। अब चेंजेस क्या क्या है नॉर्मल आरबीसी और स्पिरोसाइट में, क्या क्या फ़र्क है? पहली चीज़ तो ये समझो कि इट इज़ स्मॉलर देन नॉर्मल आरबीसी, स्मॉलर देन नॉर्मल आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी से छोटा है, क्योंकि हमने पहले कहा एक्सपांडेड रबर बैंड थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्टेड रबर बैंड। तो स्पिरोसाइट इट विल बी स्मॉलर देन नॉर्मल आरबीसी। दूसरी चीज़, इसका जो वॉल्यूम होगा इट इज़ लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल। अब लेस वॉल्यूम है जिस वजह से उतना ही हीमोग्लोबिन कम स्पेस में जा रहा है, समझ गए? उतना ही हीमोग्लोबिन किस में जा रहा है? कम स्पेस में जा रहा है। और याद करो, याद करो, याद करो गाइज, मैंने आपको इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, MCHC। क्या बताई थी? MCHC, इसका मतलब क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन। आप मुझे बताओ, परसेंटेज, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसमें उतना ही अगर हीमोग्लोबिन होगा, फिर भी इसका वॉल्यूम कैसा है? कम है, उसमें उतना ही हीमोग्लोबिन रहा, तो परसेंटेज भले इसमें ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन विल बी स्लाइटली हायर इन केस ऑफ स्पिरोसाइट। तो सीबीसी फाइंडिंग में हमें MCHC ज़्यादा दिखता है। मुझे बताओ, MCV के साथ क्या होगा? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के साथ क्या होगा? अब होता क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यहाँ पर नॉर्मल दिखता है। अब क्यों नॉर्मल दिखता है? क्योंकि अब एक बात समझो, भले आपने यहाँ पर कहा कि स्पिरोसाइट का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन हर एक आरबीसी यहाँ पर स्पिरोसाइट में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ कुछ ही आरबीसी स्पिरोसाइट में कन्वर्ट होती है, जिस वजह से मीन, अब मीन मतलब क्या है? सभी का एवरेज है, राइट, सभी का एवरेज है, जिस वजह से मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कैसा रहता है? नॉर्मल। तो सीबीसी फाइंडिंग आपको याद रखनी है कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और MCV विल बी नॉर्मल। अब हमने यहाँ पर स्पिरोसाइट देखी, स्पिरोसाइट का कैसे पहचानना है? देखो, स्पिरोसाइट इट इज स्मॉलर देन नॉर्मल आरबीसी, इट हैज़ लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू नॉर्मल आरबीसी। अब लेस वॉल्यूम के अंदर उतना ही हीमोग्लोबिन है, लेस वॉल्यूम के अंदर उतना ही हीमोग्लोबिन अगर होगा, उतना ही हीमोग्लोबिन होगा तो इट विल बी डार्कर, राइट, इट विल बी डार्क रेड इन अपियरेंस, राइट, डार्क रेड। और मुझे बताओ, यहाँ पर सेंट्रल पैलर दिखेगा क्या? नॉर्मल आरबीसी में जैसे आप ऊपर से देखते हो, आपको सेंट्रल वन थर्ड यहाँ पर पैलर दिखता है, लेकिन यहाँ पर पूरा हीमोग्लोबिन फैल गया, तो यहाँ पर नो सेंट्रल पैलर। सो इन दिस पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स आपको पता है, तो आप लोग स्पिरोसाइट को डायग्नोस कर सकते हो इन पेरिफेरल स्मियर। अब देखो, पेरिफेरल स्मियर का इन्वेस्टिगेशन, ये मेरे पास PS की स्लाइड है। अब ध्यान से देखो, पेरिफेरल स्मियर में मुझे क्या दिख रहा है? ये देखो, ये क्या है? नॉर्मल आरबीसीज है। नॉर्मल आरबीसीज में यू कैन सी द सेंट्रल वन थर्ड पैलर। ये देखो, वन थर्ड यहाँ पर पैलर दिख रहा है, वन थर्ड पैलर यहाँ पर दिख रहा है, इट इज़ अ नॉर्मल आरबीसी। लेकिन ये है हमारे पास स्पिरोसाइट। अब देखो, स्पिरोसाइट के सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैचअप हो रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स मैचअप हो रहे हैं? देखो, पहली चीज़, इट इज़ स्मॉलर देन नॉर्मल आरबीसी, बराबर, छोटी है। फिर डार्क है, थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है, कम वॉल्यूम है, राइट, कम वॉल्यूम है। और यहाँ पर पैलर दिख रहा है क्या? सेंट्रल पैलर दिख रहा है क्या? नहीं। सो दिस आर योर स्पिरोसाइट। ये जो है, ये क्या है आपके पास? स्पिरोसाइट। तो स्पिरोसाइट को आपने पहचान लिया पेरिफेरल स्मियर के अंदर, समझ गए? तो दिस वॉज पेरिफेरल स्मियर एग्जामिनेशन ऑफ स्पिरोसाइट। अब हमें अगर स्पिरोसाइट दिखते, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट बात है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मान लो कि मुझे स्पिरोसाइट यहाँ पर स्पॉट हो गई, स्पिरोसाइट क्या हो गई? मुझे स्पॉट हो गई, किसके अंदर? पेरिफेरल स्मियर के अंदर। तो मैं क्या डायग्नोस करूँगा? कि इट इज़ हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस,
नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पर डायग्नोस नहीं कर सकते कि इट इज़ हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, क्योंकि स्पिरोसाइट सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में नहीं मिलते, इट कैन बी फाउंड इन अदर डिसीजेस एज वेल। तो कौन से डिसीज के अंदर दिखते हैं वो हम देखेंगे। अब जैसे ही मुझे स्पिरोसाइट दिखती है पेरिफेरल स्मियर के अंदर, हम लोग इसको कहते हैं स्पिरोसाइटिक एनीमिया। हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्पिरोसाइटिक एनीमिया। अब स्पिरोसाइटिक एनीमिया दो रीजन की वजह से हो सकती है। मोस्ट कॉमनली स्पिरोसाइटिक एनीमिया इज ड्यू टू ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया के वजह से हमें मोस्ट कॉमनली स्पिरोसाइटिक एनीमिया दिखता है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस होगा, राइट? हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। तो मोस्ट कॉमनली मुझे बताओ किसके वजह से होता है स्पिरोसाइटिक एनीमिया? इट इज़ ड्यू टू ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हमें इसको रूल आउट करना पड़ेगा, राइट? हमें बताना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इसको रूल आउट करने के लिए, टू रूल आउट ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, वी हैव अ फेमस टेस्ट, दैट इज अ कूम्स टेस्ट। क्या होती है? कूम्स टेस्ट। अब कूम्स टेस्ट क्या होती है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कूम्स टेस्ट क्या करती है? इट कैन डिटेक्ट ऑटो एंटीबॉडी। अब मुझे बताओ, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक है तो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। तो कूम्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या है कि इट हैज डिटेक्टेड द ऑटो एंटीबॉडीज, और अगर ये निगेटिव आती है तो यहाँ पर ऑटो एंटीबॉडीज नहीं है। तो अगर कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आती है सो इट इज़ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। लेकिन अगर कूम्स टेस्ट निगेटिव आती है देन इट कैन बी हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। समझ गए? सो दिस इज कूम्स टेस्ट। तो कूम्स टेस्ट की मदद से हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन ऑटो हीमोलाइटिक एनीमिया एंड हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। अब इसको और कंफर्म करने के लिए हम दो टेस्ट और करते हैं। अब मान लो कि हमारी कूम्स टेस्ट क्या आ गई, निगेटिव आ गई, राइट? कूम्स टेस्ट निगेटिव आ गई। इसका सिग्निफिकेंस हमने क्या बताया? इसका मतलब क्या है कि इस बंदे को ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है क्या? नहीं है, बराबर। तो कूम्स टेस्ट निगेटिव आने के बाद हम लोग दो टेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहला है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। अब ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का सिंपल मतलब क्या है? देखो, मान लो कि ये मेरे पास क्या थी, नॉर्मल आरबीसी थी। ये क्या है मेरे पास? नॉर्मल आरबीसी है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मल सलाइन डालते हैं। क्या डालते हैं? नॉर्मल सलाइन। तो ये क्या हो जाएगी? इट विल स्वेल, और स्वेल होने के बाद इतनी स्वेल हो जाएगी और ये बाद में क्या हो जाएगी? बस्ट हो जाएगी। लेकिन जो आपके स्पिरोसाइट है, क्या है? स्पिरोसाइट है। ये ऑलरेडी इनका वॉल्यूम कैसा है, मतलब ऑलरेडी ये सर्कुलर है, तो ये बस्ट जल्दी हो जाएंगे, बराबर? तो बस्ट अर्लियर। तो स्पिरोसाइट्स दे विल बस्ट अर्लियर। तो स्पिरोसाइट जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? दे विल बस्ट अर्लियर। समझ गए? तो ये टेस्ट होती है टू आइडेंटिफाई स्पिरोसाइट। ये इतनी कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने आपको। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में क्या होता है? स्पिरोसाइट्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? याद करो, यू हैव टू रिमेंबर द थिंग कि स्पिरोसाइट्स आर ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल। कैसे होते हैं स्पिरोसाइट? स्पिरोसाइट्स आर ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल। इसका मतलब क्या है? ब्रेक्स इजिली इन हाइपोटोनिक सलाइन। समझ गए? और हम लोग दूसरी टेस्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी टेस्ट है हमारे पास फ्लो साइटोमेट्री। कौन सी टेस्ट है? फ्लो साइटोमेट्री। आप फ्लो साइटोमेट्री अच्छे से समझना, ठीक है? फ्लो साइटोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? एक डाय का इस्तेमाल करते हैं। उस डाय का नाम होता है हमारे पास ईएमए डाय। अभी जो ईएमए डाय है ये क्या करता है? इट बाइंड्स टू बैंड थ्री। किसको बाइंड करता है? बाइंड्स टू बैंड थ्री। याद करो, स्ट्रक्चरल प्रोटीन था सबसे टॉप वाला। तो अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रिजर्वड है, मतलब ईएमए डाय पॉजिटिव देगा। मान लो ईएमए डाय क्या आ गया? पॉजिटिव रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इंटैक्ट है, सब कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वैसे के वैसे। इसका मतलब इस बंदे को हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस है क्या? नहीं। लेकिन मान लो ईएमए डाय क्या आ गया? निगेटिव आ गया, मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर नॉट इंटैक्ट। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इंटैक्ट ना होना मतलब डिफेक्टिव होना, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स डिफेक्टिव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। समझ गए? तो ईएमए डाय अगर ये निगेटिव टेस्ट देता है तो हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस यहाँ पर प्रेजेंट है। और प्रैक्टिकली इन लेबोरेटरी वी फॉलो फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट। समझ गए? और दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। फॉर हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस डायग्नोसिस। समझ गए सब लोग? ओके, अब लास्ट पार्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बहुत आसान है। मुझे बताओ कि यहाँ पर स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा था। किसके अंदर होता? स्प्लेनिक साइनोसाइड्स के अंदर। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? स्प्लीन को रिमूव करने की प्रोसेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लिनेक्टोमी। क्या कहते हैं? स्प्लिनेक्टोमी। समझ गए? सो दिस कैन बी ट्रीटमेंट।
तो दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। तो हमने पूरा हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस पढ़ा मात्र 2 पेजेस के अंदर और सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर टॉपिक दैट इज G6PD डिफिशियंसी। ओके, थैंक यू वेरी मच।